26 जून 2024 को आम आदमी पार्टी के प्रमुख को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पूरी खबर जानने से पहले आप हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आबकारी नीति घोटाले का आरोप था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब सुप्रीम कोर्ट से इस घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाया और मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने भी उनसे फैसले पर सहमति जताई। केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत मिली है। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी और अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था। उन्होंने 103 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था, जिस पर सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिकाओं पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख को 12 जुलाई को जमानत मिली थी। जस्टिस कांत ने 3 प्रश्न तैयार किए हैं। पहला प्रश्न था, गिरफ्तारी अवैध थी। दूसरा प्रश्न था, क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए। तीसरा प्रश्न था, क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करना कोई गलत बात नहीं है। हमने पाया है कि सीबीआई ने अपने आवेदन में उन कारणों को बताया है कि उन्हें क्यों ये जरूरी लगा। हमें इस तर्क में कोई दम नहीं लगता कि सीबीआई के धारा 41A सीआरपीसी का अनुपालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जमानत पर हमने विचार किया है, मुद्दा स्वतंत्रता है, लंबे समय तक कारावास आजादी से अन्याय के बराबर है, आकांक्षाओं पर विचार किया गया है, उन्हें खारिज करते हुए हमने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि अपीलकर्ता मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेगा। ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी। वह ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करेगा। कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर मेरा एक निश्चित दृष्टिकोण है, इसलिए मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी मामले में अपीलकर्ता को नियमित जमानत दिए जाने के बाद भी सीबीआई सक्रिय हुई और हिरासत मांग की। ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दबाजी समझ से परे है, जबकि 22 महीने तक उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी पर गंभीर प्रश्न उठाती है। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी का उद्देश्य ईडी मामले में उन्हें जमानत दिए जाने में बाधा डालना था। उन्होंने कहा कि सहयोग न करने का मतलब आत्मदोषारोपण नहीं हो सकता। सीबीआई को ऐसी धारणा दूर करनी चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता है, उसे दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि केजरीवाल के गोलमाल जवाबों का हवाला देकर सीबीआई गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत में रखे नहीं सकती। जब केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल गई है तो उन्हें हिरासत में रखना न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं है। जहां गिरफ्तारी की बात है, आपका क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि अभी केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है और अब केजरीवाल की रिहाई पर बड़े धूमधाम और मिठाइयों से केजरीवाल का स्वागत दिल्ली में किया जा रहा है। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।